अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले दुर्रेबाग सल्लल्लाहु तआला अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इस टाइम सदर रेमबो सेंटर पे मौजूद हूँ। आज मैं आया हूँ फरहान भाई की दुकान पे। फरहान भाई की दुकान क्या है, क्या बेच रहे हैं भाई? ये पतंगों की दुकान है इनकी, बहुत ज़बरदस्त दुकान है इनकी पास। पतंगें बड़ी ज़बरदस्त किस्म की इनके पास मौजूद हैं, ठीक है ना। मैदानी पतंगें भी हैं और लोकल पतंगें भी इनके पास मौजूद हैं और मांझे भी इनके पास मौजूद हैं, ठीक है ना। और इनकी वीडियो जो ना मेरे चैनल पर ही है, पहली बन रही है, यानी कि फर्स्ट वीडियो इनकी मैं बना रहा हूँ पहली। और भी मैंने वीडियो में से मैंने बना के डाल चुका हूँ मैं पतंगों की, मगर इनकी पहली वीडियो है फरहान भाई की। फरहान नाम है इनका। और चलते ही देखें, ये रेमबो सेंटर नज़र आ रहा है आपको, ठीक है। और ये सामने इम्प्रेस मार्केट है, ये रेमबो सेंटर है, ये देखें, ठीक है ना। और चलते हैं अब इनकी दुकान की तरफ, इनकी दुकान है कहाँ पर तो देखते हैं, आइए मेरे साथ। ये सामने सीढ़ी नज़र आ रही है, एकदम चलते हुए ऊपर जाएंगे हम। ये मैं चढ़ता हुआ सीधा मैं ऊपर आ गया हूँ। आप जैसे ही ऊपर आएंगे तो आपको इस तरह मुड़ना पड़ेगा, ये सामने, ठीक है ना। आपको दुकान पे रश भी नज़र आ रहा होगा, सामने खड़े हुए हैं, ठीक है ना। बच्चे भी गुजर रहे हैं वहाँ से सामने से, मगर पीछे वाली इनकी दुकान है। चलो चलते हैं इनकी दुकान पर। तो भाई ये आ रही है फरहान भाई की दुकान, ये देखो ये आ गई है। ये फरहान भाई की दुकान है, ठीक है। और माल माशाल्लाह से इनके पास बहुत भरपूर माल है, लोकल माल भी है और मैदानी पतंगे इनके पास मौजूद है, और मैदानी डोर भी इनके पास मौजूद है, और लोहरी डोर भी इनके पास मौजूद है। सामने नजर आ रही है फरहान भाई है। बाकी ये देख रहे हैं कि दुकान है इनकी, और इनकी दुकान का नंबर है, तो इन्हीं से पूछ रहे दुकान का क्या नंबर है। F7 इनकी दुकान का नंबर है। चलो चलते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, अंदर जाके इनसे पूछते हैं भाई क्या क्या चीज़ें इनके पास मौजूद है, पतंग है, क्या क्या रेट लेकर आए। तो आइए मेरे साथ वीडियो को पूरी देखा, बड़ा मज़ा आएगा, ठीक है। तो आइए मेरे साथ। तो भाई हम मैं इस टाइम दुकान के अंदर दाखिल हो चुका हूँ, ठीक है। इनसे नाम पूछेंगे और फिर उसके बाद लोकल पतंगों का और मैदानी पतंगों के रेट आपसे लेंगे भाई, आप क्या रेट लेकर आए, ठीक है ना भाई। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फरीद भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। नाम अपना बता दें जरा। मेरा नाम मोहम्मद फरहान है, ठीक है। और यहाँ की तरह लोकेशन बता दें। मेरी फर्स्ट फ्लोर पे दुकान है, F7, ठीक है। दूसरे नंबर पे दुकान है मेरी, F7 में दो दुकान है F7 की। F7 में एक आगे फ्रंट पे कोई और बैठे हुए हैं, उनके पीछे मैं बैठा हूँ, नंबर 1 है F7। F7 के सबसे कोने पे ग्रिल के साथ दुकान है मेरी, यानी कि रोड से भी देखेंगे तो रोड से बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है भाई। अच्छा भाई मैं आपको मैं बता दूँ, इनकी मेरे चैनल पे ये पहली वीडियो इनकी बन रही है, ठीक है, पतंगों के बारे में। और अब देखते हैं क्या रेट दे रहे हैं भाई पतंगों के, लोकल पतंगों के भी रेट पूछेंगे, और मैदानी पतंगे जो कट के वापसी आ जाती है, जो मैदान में जो लड़ाई आती है ना पतंगे, लोग अपना नाम लिख के भी पतंगे लड़ाते हैं ताकि पतंग कट के जाए। जितनी दूर भी जाएंगे तो लुटेरा जो ना लूट के वापसी ला के दे देगा, पतंगे इनको दे देगा वापसी ला के पतंगबाजों को, और मांझा खुद रख लेगा, ठीक है ना। तो भाई आप जरा बताएं कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, सबसे पहले कौन सी पतंग दिखा रहे हो? अच्छा मैं सबसे पहले छोटी पतंग से स्टार्ट करता हूँ। छोटी पतंग ये खरीद रहे हैं? हाँ छोटी पतंग दिखाएं। छोटी पतंग ये फरीद भाई, ये है 200 रुपए की 12। ये 200 रुपए की 12 है? 12 भाई, देखो भाई 200 रुपए की 12 पतंग है, देख लो भाई छोटी सबसे छोटा आइटम है, धागे वाला होता है ये, धागे वाला है भाई, जबरदस्त। ये 200 रुपए की 12 है, ये 20 रुपए की एक चल रही है मार्केट के अंदर, मेरे पास 200 रुपए की 12 है भाई। 200 रुपए की 12 दे रहे हैं भाई, देख लो भाई जबरदस्त हो गया बेहतरीन। और फरीद भाई ये लग्गू है, ऐसे ऊपर रख दो, ऊपर डाल दो फरीद भाई, ये लग्गू है, ये 25 रुपए का एक पड़ रहा है रिटेल पे। 25 रुपए का है जी रिटेल पे। इसके डिजाइनिंग आप दिखा दें भाई, देख लो ये डिजाइन इनके पास 25 रुपए का एक पीस है ये, देख लो भाई डिजाइन इनके पास बहुत सारे हैं, ठीक है ना। और अलग अलग किस्म के इनके पास डिजाइन मौजूद है, व्हाइट भी है और अपना ब्लू भी है और ब्लैक भी है और जामनी भी इनके पास मौजूद है। ये कितने इसमें और भी डिजाइन है, 25 रुपए का एक पड़ रहा है, 300 रुपए के 12 होते हैं भाई। ये 300 रुपए के 12 है, 25 रुपए की एक पड़ेगी पतंग आपको भाई, ये देख लो 300 रुपए की 12, 300 रुपए की 12 पड़ेगी। और सैकड़ा क्या पड़ रहा है ये खुद आपको खुद पता चल जाएगा, सैकड़ा में जो गुंजाइश होगी वो हम करेंगे, मार्केट के हिसाब से करेंगे, क्योंकि रेट इसका ऊपर नीचे होता रहता है, तो इसलिए सैकड़ा वाला रेट मैं किसी को भी नहीं दे रहा, कोई सी पतंग का सैकड़े का रेट नहीं दूंगा, क्योंकि आज कुछ है कल कुछ है परसों कुछ है। बिल्कुल ये तुमने बिल्कुल सही बात कही, 25 रुपए पे दूंगा तो पतंग अगर कल रुपया बढ़ भी जाता है तो 25 रुपए में मुझे वारे में आ जाएगी ये, और लेकिन होलसेल में वारे में नहीं आएगी, तो इसलिए मैं होलसेल का रेट नहीं दूंगा, क्योंकि होलसेल में कोई मांगता है 500-600 तो 100 रुपए भी ना कमाओ तो भी बेकार है, सही है। तो इसलिए मैं होलसेल का रेट किसी भी पतंग का नहीं,
दूंगा। अच्छा, किसी पसंद जबरदस्त सब रिटेल का रेट दूंगा जबरदस्त। ये कौन सी है? अद्दी साइज है, ये अद्दी साइज है, चुरंडा कहलाती है, बगर छिली भी होती है भाई। ये बगर छिली भी है भाई, देख रहे हो आप ये पतंग यहाँ पर हम 30 रुपए की चला रहे हैं, 360 रुपए की 12 चला रहे हैं, 360 रुपए की दर्जन। अच्छा, 360 रुपए की दर्जन चला रहे हैं। डिजाइन इनके पास बहुत अच्छे हैं भाई, इसमें डिजाइनिंग और भी है, मैंने आपको दिखाई नहीं है अभी क्योंकि दिखा नहीं सकता, वक्त कम है और कस्टमर भी देख रहे हैं, तो इसलिए डिजाइन इसके बहुत हैं फरीद भाई। ये बस सिर्फ डिस्प्ले दिखाया मैंने भी आपको, ये आपको 30 रुपए की एक पड़ती है, 30 रुपए की एक पड़ी, 30 रुपए की एक पड़ेगी, 360 रुपए की 12 है, यानी कि 3000 रुपए से, 3000 रुपए से इसका भी होलसेल रेट नहीं दूंगा। अच्छा, इसको भी होलसेल पे होता है, ये 2 रुपए 1 रुपया 3 रुपए कम होते हैं, सही है, तो मैं किसी का भी होलसेल रेट यूँ नहीं दे रहा क्योंकि रेट अभी ऊपर चढ़ रहा है, कभी उतर रहा है, कभी चढ़ रहा है, ज्यादातर चढ़ ही रहा है, उतर नहीं रहा रेट, रेट अभी भी किसी का वापसी नहीं आया, सबका रेट ऊपर ही जा रहा है, क्योंकि आपने पहले ही वीडियो बनाई होंगी और होगी तो आपको रेटों में खुद अंदाजा हो रहा होगा, मेरे रेटों में और दूसरे दुकानदारों के रेटों में बहुत फर्क आ रहा होगा, तो ये फर्क रियल है मार्केट में। अगर कोई भी आता है हटके तो कहीं भी रेट टच करेगा, जिनकी वीडियो बनी हुई तो वहाँ भी सामने आ जाएगा रेट उसके, तो रेटों में कोई वाली बात नहीं है मेरी, ठीक हो गया, कि ऐसा नहीं है कि हम महंगे रेट दे रहे हैं सीजन चलने पर। ये है मेरे पास छिली हुई पतंग, ये अद्दी छिली हुई, अद्दी छिली हुई जो मैंने अभी आपको लोकल पतंग दिखाई है ना, अद्दी वही शायद है, लेकिन छिली भी मैदानी पतंग में खिलाई जाती है। अच्छा, इसमें होता ये, इसका ठंडा छिलावा नहीं होता, इसकी कमानी छिली भी होती है, ये कमानी है इसकी, ये कमानी आपको नजर आ रही होगी, ये छिली भी कमानी है इसकी। अच्छा, ये क्या रेट पड़ रहा है इसके? ये 40 रुपए की एक चला रहा हूँ मैं रिटेल पे, 40 रुपए की एक, 40 रुपए की, ये 50 रुपए की मार्केट में बिक रही है, मैं 40 रुपए की चला रहा हूँ, जबरदस्त। अच्छा, बार दफा जो है ना मैंने ये देखा है ना, छिली भी जो नहीं होती ना वो भी 40 रुपए की लोग बेच रहे हैं, चुरंडा पतंग बिक रही है 40 रुपए की, जो मैंने अभी आपको दिखाई है ना, बिल्कुल, इसका मेरे पास एक पीस ये है, ये मैं आपको अलग से निकाल के दिखा रहा हूँ क्योंकि ये मैंने दिखाना नहीं था, मैं अब दिखा देता हूँ, ये पीस लोग 40 रुपए का यहाँ पर चला भाई रहे हैं। ये देख लो भाई, ये 40 रुपए का पीस जो ना ये लोग बेच रहे हैं, मगर इसकी छिली भी काम नहीं है ये, बिल्कुल पतंग आप बताएं आप कैसे हैं ये, क्योंकि आप भी उड़ाने वाले हैं भाई, फर्क है ना, ये बहुत फर्क है ना इन पतंगों में, छिली भी काम पे और उसमें काम में जमीन आसमान। ये पतंग 40 की चल रही है, ये पतंग मैं 40 की चला रहा हूँ, मैं ये पतंग 35 रुपए की 30 रुपए की चलाता हूँ ग्राहक को। अच्छा, हाँ, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता मैं, ठीक है, और रेट मेरे सबसे अलग होंगे मार्केट से, ये हो गया छिली भी पतंग भी हो गई मेरी, ठीक है। अब ये छिली भी में मेरे पास लग्गू, जो बेसिक तो हम कहते हैं इसको अद्दी का लग्गू, लेकिन ये 6 के 10 में कटता है, पौने के साइज में कटता है, ये अद्दी से बड़ा साइज होता है जरा सा, ये देख लो भाई, अद्दी से थोड़ा बड़ा साइज है, और ये देखो ये छिली भी कांप है इसके, छिली भी कांप होती है, ये छिली भी कांप आपको नजर आ रही होगी, ठीक है ना, और ये लग्गू है, इसमें 2-3 लगी है, किसी किसी में 3, किसी किसी में 4-3 लगी होती है, तो भाई ये मैदानी पतंग खिलाती है, मैदानी पतंग खिलाई जाती है, ये मीडियम साइज है लग्गू का, इसमें डिजाइन और भी होंगे आपके पास, इसमें डिजाइन और भी होते हैं, मेरे पास मुड्डा भी होता है, इसमें चुड़े भी होते हैं, आग बबलियां भी बनी हुई होती हैं, बहुत सारे इसमें भी डिजाइन होती है, कलेक्शन होती है। ये कितने की पड़ी है? ये आपको 60 रुपए की पड़ रही है रिटेल पे, 60 रुपए की एक चलाते हैं, 60 रुपए की है, आप और बाकी सैकड़ा खुद आप फोन करके, आप सैकड़ा लेना चाहो या इस पे रिटेल लेना चाहो, इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, मैदानी पतंगों में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, ये फिक्स रेट है, अगर ये उसके लिए कोई एक पतंग लेने खड़ा हुआ ना मुझसे, मैं उसको भी ये रेट दूंगा, कोई 100 लेने खड़ा हुआ उसको भी एक ही बड़ी रेट दूंगा, एक ही रेट पे दूंगा मैं, एक वाले को भी मना नहीं करूंगा, 100 वाले को भी मना नहीं करूंगा, ये मेरा असूल है, बेहतरीन हो गया। आपको एक पतंग लेना आएगा तो उसके लिए भी इंकार नहीं है, उसको भी मिलेगा जब उसका लंबर आएगा, सही, रश की वजह से लोग परेशान होते हैं मेरे पास। अच्छा, अब मैं जाता हूँ इससे ऊपर की क्वालिटियों पे, ये जो है ना अभी तक मैंने दिखाई है ना मीडियम क्वालिटियाँ दिखाई हैं आपको सारी, अब मीडियम क्वालिटी से मुराद ये होती है ये प्योर मैदानी पतंग है, इसमें कोई भी अगर ये कहते ना मैदान की पतंग नहीं है तो गलत अच्छा। है, गलत हो जाएगा, ये देख लो भाई, आप खुद देखें, आप उड़ाने वाले हैं, आप खुद भी देख लो भाई, डिजाइन कैसे जबरदस्त मैदानी पतंग है, और मैदान के जो लड़ाने वाले होते हैं ना उनको ज्यादा पता होता है ये मैदानी पतंग में किस तरह पेंच। अब ये सारी आप अपने हाथ में पकड़े और आप सारे नजारे इसके करवाए, कमानी ठड्डो के सबके इसके अपने हाथ से करवाए, आप ये देख लो भाई, इनके पास डिजाइन बहुत है इसलिए मैंने हाथ में पकड़े हुए हैं, ऐसा समझ लें यदि आप लेने आए हैं मुझसे, आप डिजाइन चेक करें, आप ये डिजाइन चेक करें, ये डिजाइन मिल जाएगा आपको, ठीक है, ये डिजाइन आपको मिल जाएगा, ठीक है, और ये वाला डिजाइन मिल जाएगा आपको, और ये चूड़ा आ गया, चूड़ा मिल जाएगा फ्रोजी में आपको, और ये ब्लैक कलर का भी चूड़ा इनके पास मौजूद है, ठीक है, और भी, और ये ब्लैक फुल ब्लैक भी इनके पास मौजूद है भाई, ये देख लो ये मैदानी पतंगे हैं,
ठीक है। और इनकी अब रेट भी पूछते हैं भाई, रेट क्या है इनके? रेट फरीद भाई इसका 80 रुपए चला रहा हूँ, लेकिन 70 रुपए लोगों को लगा के देता हूँ भाई। 80 रुपए चला रहे हैं, मगर जो भी लेगा आगे यहाँ पर तो 70 रुपए के हिसाब से ये पतंग आपको उड़ाने वालों को 70 की दे रहा हूँ। उसकी वजह ये क्योंकि इसका रेट ही 70 का था, लेकिन अभी रेट बढ़ा हुआ है तो इस वजह से मैं उड़ाने वालों को 6 का 10 कहते हैं इसको, लोग पौना बोल के बेचते हैं, लेकिन ये पौना नहीं है, ये 6 का 10 है। पौना अभी मेरे हाथ में है, पौना इसका बाकी है अभी। अच्छा पौना बाकी है। अच्छा पौना भी इसका मैदानी पौना है, लोकल में नहीं है, ये भी ब्रांड है। पौना आ गया भाई, देख लो मैं करीब से दिखा दूँ, ब्रांड है, ब्रांड नजर आ रहा हूँ छिरी भी काम है इसकी। और ये मैदानी पतंग है भाई, मैदान तो समझो, मेरे कह रहा हूँ जो मैदान में पतंग लड़ाते होंगे ना भाई, मैं तो कह रहा हूँ नाम लिख के लगाए, नाम लिख के अगर लड़ाएंगे तो पतंग कट के वापसी आएगी, आपके पैसे जाए नहीं जाएंगे, बस ये होगा। ये देखिए इसमें इसमें डिजाइन भी, एक ये डिजाइन आपको मिल जाएगा ठीक है, और एक ये डिजाइन मिल जाएगा आपको ठीक है, और ये पत्ता वाला डिजाइन है, और ये आप ये देख लें सही ना। और ये 70 रुपए की एक है, ये 100 रुपए की है, ये पौना है, ये मैदानी पौना है, 100 रुपए का है। अगर कोई ज्यादा लेगा तो इसके अंदर डिस्काउंट हम कर सकते हैं। अच्छा डिस्काउंट कर लेंगे इसमें, जो ज्यादा लेगा तो, जो ज्यादा लेगा जबरदस्त हो गया। अच्छा अब दूसरा और कौन सा दिखा रहे हैं? ठीक है ये तो हो गई सारी मैदानी पतंग हो गई हमारी, और एक हमारी मैदानी आइटम जो ये सबसे आखिर के लिए मैंने रखी थी, ये बीच में ही दिखा दे आप, ये है लड्डू का मेरा भाई, ये 4 पीढ़ियों वाला आ गया भाई, 1, 2, 3, 4 की 4 पीढ़ियां लगी हुई, बीच में ठड्डा लगा हुआ, यानी कि 5 हो गई पीढ़ियां। और इसमें डिजाइन भी आपको जो ना मिल जाएंगे भाई, ये लो चेक करो मेरा भाई, जबरदस्त हो गया, ये भी चेक करो, जबरदस्त हो गया भाई, ठीक है ना। इसमें ब्लैक भी मिल जाएगा भाई, ये कहलाता है लघु मैदानी, मैदानी जबरदस्त हो गया भाई। इस टाइम कराची में बड़ी तेज हवा चल रही है, तो बहुत हवा उड़ेगी, तेज हवा चल रही है, लेकिन ये पतंग में अभी तक किसी के पास से शिकायत नहीं आई है फरीद भाई। 6 का 10 हो या 10 हो या पौना हो, मेरा इसमें अभी तक मेरे पास कोई कंप्लेंट नहीं आई है। उसकी वजह ये जिन कालीगर की पतंग है ना, वो मौसम के लिहाज से बनाते हैं पतंग यार। इसकी कमानी देखो क्या कह रही है यार, ये देखो ये वो समझ ले, मौसम के हिसाब से पतंग बनाते हैं। जबरदस्त यार, मेरा तो दिल जा रहा है कि मैं भी जरा बांध के रखूं। ये आपने एक पतंग चेक करी है ना, इनकी चारों पतंगें आप चेक करें, चारों पतंगें मेरे ख्याल में यही डिजाइन, चारों पतंगें एक शेप में आएंगी, इनकी कोई भी पतंग अलग नहीं होगी इनकी, जबरदस्त हो गया भाई। ये देखो सबसे मेन चीज इनकी ये देखो, आपने पहले से कमानी देखो, जबरदस्त किस्म की कमानी बनी हुई है यार, ये तो उड़ी की तो चील बन जाएगी। अच्छा फरीद भाई आपको कोई फर्क नजर आया इसके अंदर? बिल्कुल एक जैसी बनी हुई है भाई, बिल्कुल कोई भी फर्क नजर नहीं आएगा आपको, क्योंकि मैदानी कारीगर है। और ये पतंग इनकी समझ ले पूरी नहीं कर पाते, ये अपने खास लोगों को बस ये पतंग देते हैं, पेपर भी मोटा है, कोई पतला पेपर नहीं है, ये पतंग सबके पास होती भी नहीं है। क्या बात है यार, क्योंकि पूरी नहीं कर पाते, पूरी से मुराद बहुत उड़ाने वाले हैं, बहुत इनके शहदाई हैं पतंग उड़ाने के, इनके बहुत सारे एक जैसी है भाई। तो ये कितने की पड़ेगी? लोग शहदाई हैं इनकी पतंगों की। ये भी ये क्या रेट है? ये 120 रुपए का रेट, ये 120 रुपए की पड़ेगी भाई आपको, ये 120 रुपए की पड़ेगी लड्डू पौने का। अच्छा, इसमें पत्ते वाला भी आपके पास होता होगा? इसका पत्ते वाला मैंने हमने शुरू में दिखाया था ना, पौना, वो पौना है, ये कट्टा है, पौने से बड़े साइज में कट्टा है, तो इसलिए इसके रेट ज्यादा है। अगर ये पौने में ही होता तो समझ ले वही रेट आ जाता है। जबरदस्त हो गया सही, इसका बड़ा साइज होता है सही है। अच्छा आपके पास लोहरी पतंग भी मौजूद है? लोहरी पतंग ये देखने पौने का साइज है, लोहरी ये 50 रुपए का एक पीस है, ये देखो भाई पौने का साइज है, ये सिर्फ 50 रुपए का पीस है, ये 50 रुपए का पीस है। मैं खरीद से मैं तुम्हें दिखा दूँ, ये आम पतंग है, आपको आपने देखी होगी हर जगह, ये 50 रुपए का पीस है, ठीक है देख ले भाई, ये देखो 50 रुपए का एक पीस पड़ेगा भाई, 50 ठीक है। अच्छा, अच्छा इसमें और भी डिजाइन होगा? अच्छा इसमें डिजाइन भी होते हैं, कलर भी होते हैं, ठीक है। कलर इसके अंदर होते हैं 5 हमारे पास, 5 होते हैं, कभी 6 कलर होते हैं, कभी 7 होते हैं, इस तरीके से हमारे पास इसके कलर होते हैं, ठीक है। कलर ज्यादातर इसमें चाइना देख लो आप, ये इनके जो है ना मतलब इनके पास ये क्या रेट बताए इसके? 50 रुपए का, 50 रुपए की एक पड़ेगी भाई इनके पास। ये देख लें, ये तावा, ये छोटा तावा कहलाता है, ये पौना कहलाता है, ये इसको यहाँ पौना कहते हैं हम लोग, और दूसरी जगह आधा कहते हैं। जबरदस्त हो गया भाई, बेहतरीन हो गया। अब इसके अलावा और दूसरा, इसके अलावा ये देखें, ये आ गए सबसे बड़े साइज पे तावे पे, तावे आ गए भाई, देख लो भाई डिजाइन इनके पास, ये तावा येलो कलर का आ गया, व्हाइट कलर का आ गया, इसमें भी 5 कलर है हमारे पास, इसके अंदर ये ब्लू कलर के भी आ रहे भाई, ये देख लो भाई, ये देखो क्या बात है यार, जबरदस्त हो गई। इसमें भी 5 कलर होते हैं हमारे पास, इसमें भी 5 कलर, 5 कलर जबरदस्त हो गया भाई। ये कितने का दे रहे? ये हम दे रहे 70 रुपए का चला रहे हैं भाई, ये 70 रुपए का है भाई, ये देख लो भाई, ये तावा के लाता है 70 रुपए का पतंग है भाई, ये देख लो आप, ठीक है जबरदस्त हो गया यार, घूमे तो यार घूमे जा रही है भाई, बड़े जबरदस्त रेट दे दिए भाई आपने तो यार,
ये मैंने वो रेट दिए हैं जो अभी मुनासिब है मेरे हिसाब से, वक्त के रेट नहीं है, वक्त के जो अभी रेट चल रहे हैं वो तो समझ लो ऊपर चल रहे हैं इसके, तो मैंने जिनको भाई को वो रेट दिए हैं भी है फरीद भाई आपके चैनल के उससे कि हर बंदा ले ले खरीदारी कर ले, कोई ये ना समझे कि यार हमें महंगी मिल रही है या उसको महंगी मिल रही है, मेरी तरफ से इजाजत है मार्केट टच कर कर आए रेट लेकर आए ताकि यहाँ जब आए तो उनको खुद एहसास हो कि हाँ बाकी जो रेट दिया है वो चीज़ हमें यहाँ मिल रही है। देख लो भाई, भाई ने दे दिया जो रेट उन्होंने दे दिया उसी रेट पे आपको पसंद मिलेगी यहाँ पर, ठीक ना, ऊपर नीचे, इसलिए भाई महंगाई तो दिन ब दिन महंगाई सबके साथ है, हमारे साथ भी है आपके साथ भी है, एक दो रुपए तो बढ़ते रहते हैं, आप कुछ अभी ये रेट दिए कल कल आगे कुछ और रेट हो जाए, कुछ ऊपर नीचे बिल्कुल हो सकता है, जबरदस्त हो गया। अच्छा रेट कहीं रुक ही नहीं रहा। मांझा कौन सा है आपके पास? अच्छा मांझा आप ये देखें, ये है हमारे पास रईस भारती की डोर, इंडियन कारीगर होते हैं। अच्छा। इंडिया के हैं ये, इनका नाम रईस भारती। अच्छा, ये वैसे जुल्फिकार बनाता है उनका बेटा। अच्छा। बेटा बना, भतीजा बनाता है उनका, ठीक है। ये चीज चेक करें, इसकी बारीकी चेक करें मांझे की। ये मैं आपको डोर का नंबर बताऊंगा ना, आप खुद बोलेंगे वो डोर है, ये 444 की डोर है, 444 पट्टी कम। इससे हमने जो उड़वाया हुआ है ना, एक तावा तक उड़वाया हुआ है और एक तावा ये कोई छतों पे नहीं उड़वाया हुआ, हमने साहिल समंदर पे बिल्कुल एक सी बनी हुई है, कहीं से ये नहीं हो रहा कि मोटा पतला हो, बिल्कुल एक सी डोर बनी हुई है, कहीं भी नहीं हो रहा भाई। चेक करो मेरा भाई, चेक करो भाई, चेक करो, 444 की डोर है। और क्या नाम लिया था आपने इसका? रईस भाई की डोर है ये, रईस भारती भाई, देख लो भाई रईस भारती लिखा हुआ इसमें, ये नजर आ रहा होगा आपको, ठीक है, 444 की डोर है ये भी नजर आ रहा है आपको। तो ये कितने की पड़ी है? ये वैसे हम 1200 रुपए की चला रहे हैं, 1200 पूरा आधार गस होगा, पूरा आधार गस नहीं होता है, इसको बोलते हैं हम आधार गस है, लेकिन होता है 850-800 गस है, इनफ है। देख लो भाई, सुन लिया ना भाई, 850 गज फाइनल है, 850-850 गज जो ना ये होती है भाई, ये हम बता के देंगे आपको, ये हम वैसे आपको भी बता रहे हैं, लोगों को भी बता के देते हैं। ये किसकी है? ये कामरान मांझा में करें, ये कामरान भाई, ठीक है भाई, 444। ये समझ ले हमारे बहुत पुराने साथी हैं कामरान भाई। अच्छा। और ये आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ हैं, ये समझ ले जी हमारे बहुत पुराने हमारे साथ ये भी हैं। रेट है? नहीं नहीं ये अलग रेट है, इसके क्या रेट इनका है? पड़ता है 1350 रुपए का, 1350 रुपए का फाइनल रेट है, जबरदस्त अभी चमक रहा है इसका जी। ये आप चीज चेक करें, एक मिनट, चलो भाई ये भी चेक कर लिया भाई, 1350। और ये देखो, ओहो ये भी कामरान भाई, एक कामरान भाई की एक वैरायटी और दिखाऊंगा, बिल्कुल इससे हटके होगी, जबरदस्त। आप अभी से कामरान भाई की ये चीज देख रहे हैं ना, एक वैरायटी इन्हीं की और दिखा दूंगा, आप बोलोगे ये इनकी नहीं है, बाकी डोर बहुत जबरदस्त है भाई। ये भी 444, ये भी 444 से 1350 रुपए का डील है। अच्छा फरीद भाई, इसके मैं एक चीज करूँ आपके साथ, बहुत अच्छा है भाई इसका, आपके साथ एक चीज करता हूँ, आप इसको पकड़े, खींच के देख रहा हूँ भाई मैं, आप ना इस पे वेट डालिएगा फरीद भाई, जरा अपने हाथ से डालिएगा, गड्ढा हो गया यार, वेट डालें आप अपने हाथ से, नहीं नहीं मैंने देख लिया, तनाव है यार, थोड़ा और डालें, थोड़ा दिखा दें इनको, नहीं बहुत तनाव है यार। ये है ओरिजिनल 444 की डोर, कौन सी 444 ओरिजिनल, यहाँ लोग पता क्या करते हैं, ये लेबल लगा हुआ होता है, डोर नहीं होती, देख लो सुन लो भाई, लेबल लगा हुआ होता है मगर डोर वो नहीं होती जो होती होनी चाहिए, उसकी वजह मैं आपको बता दूं, ये आपने अभी क्या देखा, कितनी बारीक डोर देख रहे हैं मेरे पास आप, डोर तो बहुत अच्छी लगी, इसका तनाव बहुत है भाई, बारीक है मोटी है, अरे बारीक डोर है ये, 44 की पहचान है, बहुत जबरदस्त डोर है यार, सही ये तो हो गई बारीक डोर हमारे पास। तो भाई ये कितने की रहे हो, ये हम चला रहे 1350 रुपए, ये भी 1350 की, 1350 ये भी 1350 की डोर है भाई, देख लो भाई कामरान भाई आपकी लगी, एक कामरान भाई की लगी हुई है, टे मांझा लगा हुआ, ये कौन सा मांझा है, ये टेव मांझा है, वो जो मैंने आपको दिखाया ना वो डबल मांझा है कामरान भाई का, ये आ गया टेव मांझा, अब हाथ फेरे, ये कामरान भाई का आ गया थ्री कोर्ट मांझा है, मैदान में भी लड़ा सकते हैं, ये मैदान में भी लड़ा, आप इसको भी जरा फरीद भाई जरा पकड़िएगा, वाकई लटके लटका हुआ हूँ मैं डोर, बिल्कुल बिल्कुल वो नजर आ रहा, मैंने खुद देखी, वरना मैं अपनी उंगली दिखाऊं तो ये देख लो मेरी उंगली, हाँ वो नजर आ रहा गड्ढा हो गया, उंगली भी देखो ये भी देखो मेरी, पीछे से नजर आ रही है 444 की डोर है और बहुत अच्छी डोर लगी हुई है कामरान भाई की, हाथ भी लगी हुई, ये कामरान भाई का टेम आ जाए, ये हम 1500 रुपए की चलाते हैं, 1500 और इसमें कितनी डोर है, इसमें भी हजार गज होती है, इसमें हजार गज होगी पक्की पक्की पूरी, हजार गज होती है भाई, पक्की पक्की पूरी हजार गज होगी भाई, ये बता रही है ठीक है ना, ये भी 1500 रुपए की है, 1500 रुपए की है, ये टेम आ जाए होता है हमारा, आपके चैनल के हिसाब से 1500 रुपए बता रहा हूँ लाइव, वो यूं बता रहा हूँ 1500 रुपए ताकि किसी से बहस नहीं करना पड़े, वैसे आप आओगे तो 1800 रुपए से स्टार्ट करूंगा, 1500-1600 रुपए में फाइनल छोड़ देता हूँ मैं। अच्छा इससे और सस्ती भी चरखी आती है ना, इससे सस्ती भी है और एक और
मेरा दिल चाह रहा है कामरान भाई की एक मेन चीज दिखाऊं आपको, जिस पर मुझे भाई मेन चीज तो दिखाओ जो मुझे पसंद है, और आप भी परेशान हो जाओगे। आप बोलोगे दिखाया क्या है, ये है क्या है, ये देखें। अच्छा आप इसकी क्वालिटी चेक करें, बिल्कुल चिकना हो रहा है यार ये तो, बिल्कुल ये चीज मेरा दिल चाह रहा है आपको दिखाने को, जबरदस्त हो गया भाई ये तो, बिल्कुल चिकना हो रहा है यार ये चीज है। अच्छा ये आपने अभी खोला है ना, इतना खोल दिया ना मैंने, अब आप समझ लोगे शायद ये चिकना है, नहीं नहीं ये मैंने और खोल दिया इसको, देखें 10-12 गज मांजा खोल दिया मैंने, और आप हाथ लगाएं बिल्कुल एक सा बना हुआ है, चेंज हुआ बिल्कुल चिकना बना हुआ है, कहीं भी चेंज नहीं हुआ। 10-15 अगस्त मांजा मैंने खोल दिया, नीचे पड़ा हुआ 10-15 अगस्त मांजा, और बोलेंगे और खोल दूंगा मैं इसको, कोई चेंज नहीं होगा कहीं भी, ये चेंज ही नहीं होगा, मैदान में तो बड़ी ये मैदान की डोर है, ये हम बनवाते हैं ये उड़ाने वालों के लिए, और जो अच्छे उड़ाने वाले हैं, पुराने उड़ाने वाले हैं ना, वो ये चीज पसंद करते हैं बिल्कुल। और इसका वेट चेक कराऊं तो इसका वेट हमारा जो अभी हमने चेक करा था ना, वही चीज इसमें भी आएगी हमारे वेट। ट्राई करके देख रहा हूँ, खींच के देख रहा हूँ। अच्छा मैं आपको वेट हर डोर का चेक करा रहा हूँ। अच्छा लोग पता क्या करते हैं, लोग ना तोड़ते हैं डोर को, अब तोड़ने में तो मैं कहता हूँ रस्सी भी तोड़ लोगे आप, समझो कि एक पतंग उड़ रहा है कलीदार का। अच्छा ये देखें लोग उंगली पे रखते हैं, मैं उंगली पे नहीं रखा हुआ, मैं बिल्कुल बिल्कुल मेरी उंगली नहीं है, मैं मुट्ठी रखा हुआ, उंगली आप रखे हुए, मैं मुट्ठी से खींच रहा हूँ, जबरदस्त। और आप डोर का तन चेक कर सकते हैं, तनाव तो बहुत है, ये ओरिजिनल 444 की डोर है। मैं कहता हूँ कि अगर कोई लोहली मांझे का शौक करता है ना कराची में, उससे बेहतर डोर ये होती है, क्यों उसकी वजह ये होती है। अभी फरीद भाई हमने कितना वजन दिया इस पे, अब आप बताएं इस पे एक तावा कहीं जाएगा, कहाँ जाएगा एक तावा, ये तो कहीं भी नहीं जाएगा, एक तावे में कुछ भी नहीं होना इस डोर का। ये है कितने की दे रही है, ये हम चलाते हैं 1800 रुपए का, 1800 रुपए का एक रील, एक रील 1800 रुपए का है, मगर भाई डोर है हम चलाते हैं इसको, ये मैदानी डोर है, बेहतरीन हो गया भाई। अच्छा ये देखें फरीद भाई, ये आ गई हमारी 66 की डोर है, एक तो होती है 4 तारी मार्केट में चल रही होती है, लेकिन मैं 4 तारी नहीं चलाता, मैं 66 और 4 तारी दोनों मिक्स चलाता हूँ। अच्छा ताकि उड़ाने वाले बच्चे भी हो ना, तो वो भी शौक इतना अच्छा कर लें। ये 4 तारी है, ये देख लो भाई 4 तारी आ गई भाई, ये 66 है, 66 66 ये देख लो, ये पढ़ लिए फरीद पे 600 रुपए की चरखी ना, 600 रुपए की चरखी, ये होती कितनी वैसे, ये होती है इसके अंदर 750 का।